सी इट्स वन ऑफ माई पेट पीव्स के आप मेडिकल जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें आप मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स क्यों लेके जा रहे हो। मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ क्योंकि मुझे लगता है ग्लाइकोलिक पील्स हो गए, लैक्टिक पील्स हो गए, कई लोग कहते हैं कि मुंह पे लगा के सो जाओ, बट दैट इज़ नॉट हाउ अ पील इज़ यूज। सो आई एम फर्मली अगेंस्ट इट एंड यू नो मिस इन्फॉर्मिंग पीपल एंड टू ब्लाइंडली यूज़ समथिंग इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हमेशा ये दवाई है अल्टीमेटली, आप दवाई डॉक्टर से पूछ के यूज़ करोगे। देखिए रिंकल्स का बेसिक रीजन इज डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन, ठीक है ना, कि स्किन ढीली हो गई है, लूज हो गई है, या स्किन की जो प्लम्पनेस है वो खत्म हो गई, तो फाइन लाइंस आ सकते हैं। तो sometimes it is a reason for it is due to aging also, but I would say it is more due to photo aging, which is basically sun damage की वजह से। अगर आप देखेंगे आजकल को 20s 30s में भी लोगों को wrinkling हो जाती है, जबकि बाहर हमारे अगर पुराने generations को देखो जो इतना sun में नहीं जाते थे, they have beautiful skin even in their 60s and 70s. So what are the preventive measures to reduce wrinkles? आपने बताया ही कि sun damage से ये बहुत बड़ा कारण है, बिल्कुल, तो sun से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अगर किसी को wrinkles हो गए हैं या फिर अभी एज के साथ इसको हम क्योंकि जोड़ते हैं हमेशा, तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ और भी reasons की तरह? बिल्कुल, देखिए एजिंग इज़ अ ब्लेसिंग आई वुड से, बिकॉज इट मीन्स यू लिव मैनी वंडरफुल ईयर्स, तो यू कैनॉट कम्प्लीटली प्रिवेंट द साइंस ऑफ एजिंग एंड देर इज़ नो नीड टू, बट वेन एनीबडी लुक्स इन द मिरर, आप हमेशा चाहते हैं कि जो फेस आपको आप देखें मिरर में वो हेल्दी और ग्लोइंग हो, ठीक है। तो जब ज़्यादा लाइन्स या रिंकल्स हो जाती हैं फिर इंसान को खुद ही लगता है कि मैं बहुत थका हुआ या थके हुए लग रही हूँ। सो द बेस्ट थिंग ऑफ कोर्स इज़ अ रेगुलर गुड हेल्दी स्किन केयर रेजीम, as I said, a skin face wash as per your skin type, some serum which may be hyaluronic, it may be vitamin C, whatever as per your skin type, as your doctor has suggested. Sun protection I cannot emphasize enough. Make sure there are no nutritional deficiencies, ये मैं बार बार बोलती हूँ, vitamin D हो गया, iron या कम हो गया, तो वो सब की वजह से आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है वो ख़राब हो जाता है। डाइट में भी आप यू मेक श्योर दैट यू गेट इनफ ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स हो गए, आमंड्स एक्सेट्रा, इनमें भी ओमेगास होते हैं विच आर वेरी गुड फॉर द स्किन। एंड ऑफ कोर्स रेगुलर ट्रीटमेंट्स अगर आप कराएं तो आई वुड से कि आजकल काफ़ी मेडिकेटेड फेशियल ट्रीटमेंट्स पॉपुलर हो गए हैं विच आर इफेक्टिव, लाइक हाइड्रोफेशियल्स आर इफेक्टिव, लेज़र ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिव, फिलर्स हो गए, बहुत सारे मेथड्स हैं टू प्रिवेंट द लाइन्स। ओके, सो ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले सकते हैं, गुड। एंड मैम अगर बात करें स्किन टैक्स की, तो स्किन टैक्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बट लाइक पीपल मिसअंडरस्टूड देम, तो वो किस कारण से होते हैं स्किन टैक्स एंड क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट करने के? देखिए स्किन टैग्स आर वेरी कॉमन एज यू सेड एंड जनरली फैमिलीज में रन करता है, इट्स जस्ट एन ओवरग्रोथ ऑफ अ स्किन, तो वो जेनेटिक होता है कि जनरली फैमिलीज में होता है कि डीएनए को सिग्नल मिला कि थोड़े से सेल्स और बना दो बस, और वो कुछ नहीं होता, इट्स अ परफेक्टली हार्मलेस कंडीशन, एंड इफ इट इज कॉस्मेटिकली कॉजिंग एन इशू वी कैन ईजिली रिमूव इट विद लेजर एंड विद कॉटरी। ओके, सो इतना परेशान होने की नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैम अगर फ्रेकल्स की बात करें तो कॉस्मेटिक कंसर्न की वजह से ये होता है, सो मैं जानना चाहूंगी कि लाइक हम फ्रेकल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए फ्रेकल्स अगेन आप कहोगे मैं वही बात फिर से बोल रही हूँ कि फ्रेकल्स आर कॉज ड्यू टू द सन डैमेज, बिकॉज जब हम धूप में जाते हैं जो मेलेनिन होता है हमारे स्किन का वो हमारी स्किन के टॉप लेयर पे आ जाता है टू प्रोटेक्ट द स्किन, तो वो जब वहीं पे रह जाता है ड्यू टू कॉन्स्टेंट सन एक्सपोजर तो वो बन जाता है फ्रेकल, ठीक है। अगर आपको फ्रेकल प्रिवेंट करना है तो फिर देन यू हैव टू बी वेरी रेगुलर विद योर सन प्रोटेक्शन, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इफ यू हैपन टू गेट अ फ्रेकल वी डू हैव ट्रीटमेंट फॉर इट इन द फॉर्म ऑफ लेजर थेरेपी इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव। ओके, एंड मैम अगर बात करें रेड मोल्स की, रेड मोल्स हो गए, चेरी एंड जर्म्स हो गए, तो इनको ये इनके क्या कारण होते हैं? सी मोस्ट ऑफ दीज आर जेनेटिक कंडीशंस, ठीक है, या जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, थोड़ी डीएनए अबनॉर्मैलिटी की वजह से होते हैं, चेरी एंजोमास एक्सेट्रा, इनको हम बर्थ मार्क्स भी बोलते हैं, तो ये बर्थ से ही होते हैं, दे आर जनरली क्वाइट हार्मलेस। द ओनली थिंग इज इन एनी मोल, एनीथिंग दैट यू नोटिस ऑन योर बॉडी, इफ यू सी दैट देयर इज अ सडन चेंज इन द साइज, इफ देयर इज अ चेंज इन द शेप, कि वो सडनली हार्ड हो रहा है या उसमें से कोई ब्लीडिंग आ रही है, देन यू डेफिनेटली नीड टू सी अ डॉक्टर, बिकॉज समटाइम्स अ मोल और अ वॉट कैन बिकम मैलिग्नेंट और आपका ध्यान नहीं जा सकता, तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू चेक। ओके, सो
ओके एंड मैम इसके लिए हमको कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़ती है या फिर कुछ और भी ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं? जनरली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेजर होता है उससे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो इट कम्स अंडर द रियल्म ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी ओनली। ओके मैम, आपने बताया कि ये नीनासिनामाइड मैं हमेशा भूल जाती हूँ, नीनासिनामाइड ये एक बहुत ही ज़्यादा इस टाइम चर्चा का विषय है और लोग इसको यूज़ करते हैं, तो क्या ये इफेक्टिव होता है? देखिए, नियासिनामाइड बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ अ मल्टी वाइटामिन, बी ग्रुप का वाइटामिन होता है, सीरम के फॉर्म में होता है, इट इज़ बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो कई लोग यूज़ करते हैं जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, इन्फ्लेम स्किन होती है, उनको यूज़ करते हैं। बट मैं ये देखती हूँ कि कोई भी चीज़ जिनके रील्स बनने लग जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर आ जाता है, वो वायरल हो जाता है एंड पीपल जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट एनी राइम और रीजन। सो आई विल से दैट योर स्किन केयर रेजिम शुड बी decided by your doctor and that is the only thing you need to use on your skin and not follow these fads, because jo ek insaan ke liye suitable hoga ho sakta hai wo aapke liye suitable na ho। ओके सो जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में चल रही हैं, तो अगर ऐसा कोई भी हम प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं पहले, तो ज़रूरी है कि उसको पहले हम डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिल्कुल, ये हमेशा ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ़ यू वांट टू यूज़, सी इट्स वन ऑफ माय पेट पीव्स के आप मेडिकल जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें आप मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट्स क्यों लेके जा रहे हो। मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ग्लाइकोलिक पील्स हो गए, लैक्टिक पील्स हो गए, कई लोग कहते हैं कि मुँह पर लगा के सो जाओ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वो पील इज़ यूज़। सो आई एम फर्मली अगेंस्ट इट एंड यू नो मिस इन्फॉर्मिंग पीपल एंड टू ब्लाइंडली यूज़ समथिंग, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। हमेशा ये दवाई है अल्टीमेटली, आप दवाई डॉक्टर से पूछ के यूज़ करो। मैम अगर बात करें टोनर और सीरम की, तो आजकल वो भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और ये एक रूटीन में भी हम फॉलो करते हैं, चाहे वो डे का रूटीन हो या नाइट का हो, तो क्या ये जरूरी है दोनों यूज करना या फिर इनको नहीं भी यूज करेंगे तो वी आर ओके? आई वुड से टोनर इज अ प्लस माइनस, सम पीपल फाइंड इट, आई वुड से इट्स जस्ट अ रिफ्रेशिंग स्प्रे के मुंह पे पानी डाल रहे हो या बर्फ डाल रहे हो या टोनर डाल रहे हो, मेरी तरफ से तो सेम है। बट हाँ, मैं जनरली अगर आप प्योर रोज वाटर नहीं यूज कर रहे हो, वो भी अगर आपको सूट कर रहा है, तो आई वुड से कि टोनर को भी पानी से रिमूव कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार वो सिर्फ डाइल्यूटेड सोप्स ही होते हैं। तो मैं तो नहीं यूज़ करती हूँ। एज फार एज सीरम्स आर कंसर्न, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सीरम्स। मुझे लगता है कि सीरम हर एक इंसान को यूज़ करना चाहिए, दे आर बेटर देन मॉइस्चराइजर्स। मोस्टली हमारे ड्राई ह्यूमिड वेदर में वो अच्छे रहते हैं, क्योंकि हमारे स्किन को वो हाइड्रेट करते हैं विदाउट ब्लॉकिंग द पोर्स। सो सीरम इज़ अ येस एंड टोनर इज़ अ प्लस माइनस फॉर मी। मैम नॉर्मल स्किन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो अगर हमारी नॉर्मल स्किन है तो हम अपने सीरम में क्या देख कर हम उसको ले सकते हैं? देखिए, नॉर्मल स्किन के लिए डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर स्किन। आप हाइलुरोनिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका स्किन प्लम्प अप होगा। अगर आपको कुछ रेडनेस या इचिंग वगैरह होती है, आप नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज विटामिन सी इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंटी ऑक्सीडेंट टू यूज, प्रोवाइडेड इट सूट्स योर स्किन। ओके एंड मैम एक क्वेश्चन मेरा है कि अंडर आर्म्स में बहुत ज़्यादा डार्क स्किन हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या कॉजेज होते हैं? ठीक है, देखिए जो अंडर आर्म्स हैं बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारा। मोस्ट कॉमन रीज़न इसका होता है कि चीप क्वालिटी के आप अगर डिओड्रेंट्स वगैरह परफ्यूम्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। सेकंड जो होता है कि वैक्सिंग या शेविंग के बाद में फ्रिक्शन हो जाता है, जिससे कि डार्कनिंग होती है स्किन की। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑफकोर्स आई वुड एडवोकेट दैट एवरीबडी शुड गेट द अंडर आर्म्स एटलीस्ट लेजर्ड ऑफ। आजकल लेजर हेयर रिमूवल आ गया है, इट्स अ सिंपल एंड सेफ सोल्यूशन। अदरवाइज लाइटनिंग क्रीम्स आजकल कई आ गई हैं एंड डेफिनेटली दैट कैन हेल्प, बट यू मस्ट गेट इट चेक आउट, बिकॉज कभी कभी किसी को हल्का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो ना पता चले आपको। तो इट्स बेस्ट कि अगर आपको ऐसा इशू है, आप पहले अपने डॉक्टर से चेक कीजिए एंड टेक द करेक्ट गाइडेंस। ओके एंड मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे फेस पे ना कुछ एलर्जीज हो जाती हैं, कुछ रैशेज आ जाते हैं कभी कभी, और उनके रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं। सो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे फेस पे कुछ ऐसा रैश आ रहा है, तो हमें कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हम फील कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, रैशेज या एलर्जीज एज यू सेड कि बहुत कॉमन हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि रीज़न क्या है। अगर आपको पता चलता है, जनरली रीज़न ये होता है कि आपने कोई नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ किया है, कोई नया फेस वॉश यूज़ किया है, कोई नया सीरम यूज़ किया है, कोई नया मेकअप प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है। अगर ऐसा कोई ट्रिगर है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ आप उसको बंद कर दीजिए। अगर आपकी स्किन में बहुत बर्निंग एक्सेट्रा हो रही है, आपको अगर एलोवेरा जेल या कैलामाइन सूट करता है, यू कैन ट्राई अप्लाइंग दैट एट होम एंड आइसिंग योर फेस।
एक दिन में एक दो बारी हल्के हाथ से आप आइस को किसी कपड़े में डाल के डैब डैब करके देखिए. एंड एलोवेरा जेल इफ़ इट सूट्स यू एंड कैलामाइन लोशन अगर आपके घर में है और आपको सूट करता है आप वो ट्राई कर सकते हैं. अगर इन मेजर्स से नहीं सेटल हो रहा है इन स्पाइट ऑफ स्टॉपिंग दैट देन यू डू नीड टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर. ओके, सो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर फेस पे देखी जा रही है जो आपके उसको से भी सही नहीं हो रही है तो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर. एंड मैम अगेन इट वाज अ ग्रेट इंटरव्यू. मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को फिर से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली होगी चीज़ों को लेके. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू योर ऑडियंस फॉर टेकिंग द टाइम आउट. आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद यू. थैंक यू.